किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ एक बार फिर से राजमा चावल जो कि सभी को घर में बहुत पसंद है। तो चलते हैं जल्दी से ब्यूटी के किचन। आधा चम्मच नमक डालूंगी इसमें, ये मैंने रात में भिगो दिए थे राजमा। थोड़ा सा पानी और ऐड करूं। करीब 4 से 5 सीटी आएंगी इसमें, तब तक बनाती हूँ इसका मसाला। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 से 5 प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। अब इसे मैं जल्दी से मिक्सी में डाल के फटाफट से और पीस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पीस लिया है टमाटर को, अलग पीसा है और प्याज को अलग पीसा है। थोड़ा सा ऑयल रख दीजिए। अच्छे से भून गई, अब मैं इसको डालती हूँ। Thank you.
थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था। इसे भी अच्छे से भूनेंगे। देख सकते हैं आप इसे, ये देखो बन गया अच्छे से। आप देख सकते हैं बिल्कुल गल गया है राजमा।
इसमें डालूंगी थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू डाल दूंगी। राजमा के साथ आप लोग दही खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने अभी घर में जमाया है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल मलाई वाला दही है। ये थी आज की मेरी लंच की थाली, कैसी लगी आप सबको जरूर बताइए, प्लीज कमेंट करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।